नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बाइकर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि टाटा सुमो गाड़ी को सुमो नाम कैसे पड़ा। तो 90 के दशक के शुरुआती सालों में महिंद्रा की जीप रास्तों से कम दिखने लगी थी, क्योंकि उस समय टाटा की 10 सीटों वाली नई गाड़ी आ चुकी थी और उसका नाम था टाटा सुमो। रास्ते कैसे भी हो या रास्ता ही ना हो, टाटा सुमो वहाँ जा सकती थी। साउथ इंडिया के बहुत सारे मूवीज़ में तो विलन और उसके साथ आने वाले लोग इसी में आते थे। साउथ के मूवीज़ में इसकी क्रेज़ अभी भी बरकरार है, लेकिन इंडिया के 95% आबादी को अभी भी यही लगता है कि टाटा सुमो गाड़ी का ये जो सुमो नाम है, ये जापानी सुमो पहलवान से इंस्पायर है। और ऐसा लगना भी लाजमी है, क्योंकि टाटा सुमो दिखती भी है पहलवान जैसी चौड़ी और ताकतवर, और जापानी सुमो पहलवान तो चौड़ा और ताकतवर है ही। लेकिन सुमो गाड़ी का नाम जापानी पहलवान से नहीं, बल्कि टाटा स्टील के एक महाराष्ट्रियन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से इंस्पायर है। टाटा की एक SUV गाड़ी को सुमो नाम कैसे मिला, इसी की कहानी अब हम सुनते हैं। तो बात करते हैं अब दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश रॉयल आर्मी को टाटा स्टील ने बहुत अच्छा स्टील सप्लाई किया था। उसी के बाद ब्रिटिश रॉयल आर्मी ने टाटा स्टील को मिलिट्री की गाड़ियाँ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसी के कारण टाटा कंपनी ने टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को कंपनी का निर्माण किया, और उस कंपनी के डायरेक्टर पोस्ट पर चुने गए उस समय के यंग इंजीनियर सुमंत मुलगांवकर। सुमन जी का जन्म मुंबई का है और उन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब सुमन जी ने निर्णय लिया कि टेल्को कंपनी अब मिलिट्री व्हीकल के साथ कमर्शियल व्हीकल भी बनाएगी, और वहीं से टाटा ट्रक की शुरुआत हुई। टेल्को का कमर्शियल व्हीकल बनाने का निर्णय देश के लिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उस समय भारत में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ विदेश से मंगानी पड़ती थी, और विदेशी गाड़ी जब आती थी तो उसके ऊपर ड्यूटीज लगती थी, टैक्स लगते थे, उसके स्पेयर पार्ट भी महंगे आते थे, तो ओवरऑल ट्रक ड्राइवर को उस गाड़ी का मेंटेनेंस महंगा पड़ता था। जब टेल्को ने मेड इन इंडिया भारत में गाड़ियाँ बनानी शुरू की तो उसके ऊपर ड्यूटीज लगती नहीं थी, उसकी सर्विसिंग भी सस्ती पड़ती थी और ओवरऑल मेंटेनेंस उसका कम पड़ता था, जो ट्रक ड्राइवरों के लिए अच्छा था। तो ट्रक ड्राइवरों को गाड़ी अच्छी लगने लगी तो ऑब्वियसली ट्रक ड्राइवर ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने लगे, रास्ते पर ज़्यादा गाड़ियाँ दिखने लगी, ज़्यादा सामान इधर से उधर मूव होने लगा। तो इसका फायदा भारत की इकोनॉमी पर अच्छा हुआ। भारत में ट्रक बनाने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट भी मिला था। जब टेल्को के चेयरमैन सुमन जी उस समय जब भी काम की वजह से शहर के बाहर दूसरे शहर जाते थे, तो रास्ते में वो वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए, खाना खाने की ब्रेक लेने के लिए किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में रुकते नहीं थे, वो रास्ते के नज़दीकी ढाबों पर रुकते थे और वहाँ खाना खाते समय वहाँ के ट्रक ड्राइवर से बात करते थे। टाटा के ट्रक में ट्रक ड्राइवर को क्या और बदलाव चाहिए, ट्रक चलाने में आसानी होने के लिए और क्या क्या बदलाव करने चाहिए जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को मेंटेनेंस का खर्चा कम पड़े, यह सारी बातें सुमन जी ट्रक ड्राइवर से खाना खाते समय पूछते थे। और इतने कंपनी का इतना बड़ा डायरेक्टर जब हमारे से बात करते ऐसे ट्रक ड्राइवर को लगता था, तो वो भी बड़े दिल से सुमन जी से बात करते थे और उनको ट्रक में आने वाले सारे प्रॉब्लम वो बताते थे। सुमन जी वो सब प्रॉब्लम, वो सब एडवाइसेस जो ट्रक ड्राइवरों ने उनको बताई, वो सब वो नोट कर लेते थे, और जब भी टेल्को की अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती थी उसमें ट्रक ड्राइवर से आए हुए जो सब सुझाव है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखे जाते थे, और अगला जो ट्रक का एडिशन आने वाला था उसमें वो बदलाव किए जाते थे। जब ड्राइवर के हिसाब से ट्रक में बदलाव किए जाते थे तो ड्राइवर को भी अच्छा लगता था, इतनी बड़ी कंपनी हमारी बातें सुन रही है, हमारे हिसाब से गाड़ियों में बदलाव कर रही है, तो ट्रक भी ड्राइवर फ्रेंडली होते थे, मेंटेनेंस भी कम होता था। ड्राइवर के सुझाव पर काम करने वाले सुमन जी ऐसे इकलौते डायरेक्टर थे, उनके हिसाब से ट्रक ड्राइवरों के सुझाव पर काम करना चाहिए, और उनकी यह पहल बहुत अच्छे तरीके से काम लगी। वहाँ से टेल्को या टाटा मोटर्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लगी, उसका व्यापार बढ़ने लगा। भारत सरकार ने भी सुमन जी के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज्ञान को अप्रिशिएट किया, उसकी सराहना की, और उन्हें प्लानिंग कमीशन पर भी नियुक्त किया था। के काम और मेहनत की वजह से वह आगे टाटा स्टील के चेयरमैन भी चुने गए थे। सुमन जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 1989 में सुमन जी मुलगांवकर का निधन हो गया, और 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रतन टाटा, जो सुमन जी के शिष्य थे। रतन टाटा ने सुमन जी के अंडर ही टाटा कंपनीज में काम करना शुरू किया था। जब रतन टाटा ने 1994 में मिड साइज SUV गाड़ी लॉन्च करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने उस गाड़ी को अपने गुरु का नाम देने का निर्णय लिया,
और उस वजह से टाटा गाड़ी को टाटा सुमो नाम रखा गया। सुमन जी का जो नाम है उसके दो इनिशियल्स लिए गए और सुमन जी का जो सरनेम है उसके दो इनिशियल्स लिए गए। तो सुमन जी का नाम के SU ये दो इनिशियल्स और उनका सरनेम है मुलगावकर, उसका स्पेलिंग आता है MOOLGAVKR, तो उसके दो इनिशियल्स यानी MO। तो सुमन जी के SU और मुलगावकर के MO ये दो इनिशियल्स लेकर रतन टाटा ने उस गाड़ी को सुमो नाम रखा। अब बहुत सारे लोग ये भी बात करेंगे कि ये जो SU और YOMO जो नाम के इनिशियल्स लेकर गाड़ी को नाम रखना, ये मैं वीडियो के पहले भी बता सकता था क्या? नहीं, वीडियो के पहले मैंने ये इसलिए बताया नहीं क्योंकि सुमन जी एक बड़े व्यक्ति थे, उनकी वजह से टाटा कंपनीज को भी तो फायदा हुआ लेकिन देश को, इकोनॉमी को भी बहुत सारा फायदा हुआ। तो मेरा एक कर्तव्य था कि आपको पहले सुमन जी की हिस्ट्री बताओ, टाटा कंपनी की हिस्ट्री बताओ, टाटा कंपनी ने कैसे शुरुआत की गाड़ियाँ बनाने की वो हिस्ट्री बताओ, और बाद में वो हिस्ट्री बताते बताते सुमन जी का नाम टाटा की गाड़ियों को कैसे मिला ये आपको बताओ। प्रकार से स्टोरी आपको बताइए कि सुमन जी का नाम कैसे टाटा की सुमो गाड़ी को मिला। तो सुमन जी ने मेहनत और पसीने से टेल्को को एक बड़ी कंपनी बनाई और वही कंपनी आज टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है। टाटा मोटर्स आज ट्रक भी बनाती है, बड़े बड़े व्हीकल भी बनाती है, कार भी बना रही है, मिड साइज SUV बना रही है, हरियर जैसी अच्छी SUV बना रही है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर 200 साल राज किया था, उनकी कंपनी जगुआर एंड लोअर टाटा ग्रुप ने खरीदी है 2013 में। तो एक तरह से टाटा कंपनी ने रिवेंज लिया है अंग्रेजों के ऊपर उनकी जगुआर और लैंड लोअर कंपनी खरीद कर। सुमन जी ने टाटा कंपनी के अलावा देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दिया था। SUV गाड़ी को ये जो सुमो नाम देना है, यह एक घटना शिष्य ने अपने गुरु को दी दक्षिणा हम समझ सकते हैं। टाटा ग्रुप ने सुमन जी को और भी एक दक्षिणा दी है। जमशेदपुर में उनके नाम पर एक गार्डन बनाया है जिसका नाम है मुलगावकर पार्क। अगर आप कभी जमशेदपुर जाओ तो वहाँ मुलगावकर पार्क अभी देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से पार्क बना है और बहुत इको फ्रेंडली और बायोलॉजिकल फ्रेंडली ये पार्क है, आप जाके वो पार्क देख सकते हैं। तो आपको ये टाटा सुमो की गाड़ी का नाम कैसे पड़ा ये स्टोरी और टाटा की स्टार्टिंग से, टाटा मोटर्स की स्टार्टिंग की जर्नी, टेल्को से टाटा मोटर्स की बनने की जर्नी और बाद में ब्रिटिश कंपनी जो जगुआर और लैंड रोवर है उसकी मालिक बनना, यह जो स्टोरी है आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यहाँ तक अगर ये वीडियो देखा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बात और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आपको इस चैनल पर बने रहना हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में देखें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो पहले से ही अपलोड है, आगे भी अपलोड होने वाली है क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो है सुमंत मुलगावकर जैसे, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है लेकिन उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो वही सारे अनसंग हीरो की कहानियाँ मैं आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आगे भी बताने वाला हूँ। तो मेरा आपसे दरखास्त है ऐसे ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।